और बात कर लेते हैं प्रदेश की खबरों की। कोटा से खबर है, पानी की किल्लत पर महिलाओं का हल्ला बोल जारी है। पानी की टंकी बनने के 10 साल बाद भी नहीं पहुंची है पानी की पाइपलाइन। फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं लोग। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची हैं। पानी की पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की मांग की जा रही है। तो पानी की किल्लत बरकरार है राजस्थान में। कोटा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पानी की किल्लत पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। और ये लाइव तस्वीरें कोटा से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर जुटी हैं, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रही हैं। पानी की टंकी बनने के 10 साल बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची हैं और अब पानी की पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की मांग कर रही हैं। तो देखिए, कई साल का वक्त बीत चुका है लेकिन पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ऐसे में गुस्सा फूटा है तमाम लोगों का। महिलाएं यहां पर जुटी हैं। सहयोगी हिमांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा इसी खबर पर लाइव। हिमांशु, लंबा अरसा हो चुका है लेकिन पानी की किल्लत यहाँ पर बरकरार है। हिमांशु, लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए मणि, मैं आपको बता दूं कि कोटा वो शहर है जो चंबल नदी के किनारे बसता है, लेकिन कोटा से जब इस तरह की पानी के प्रदर्शन की तस्वीरें आती हैं तो सवाल निश्चित तौर पर खड़ा होता है, क्योंकि कोटा से कई शहरों के लिए पानी की सप्लाई होती है। जब भी राजस्थान के किसी ज़िले में मोटे तौर पर पानी की किल्लत सामने आती है, उसके बाद में कोटा से हम देखते हैं कि वाटर ट्रेन्स रवाना होती हैं। जो शहर दूसरे जिलों में पानी की सप्लाई करता है, अगर वहाँ पर ही पानी की किल्लत सामने आए तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और फिलहाल ये कोटा के पटरी पार इलाके के लोग हैं, स्टेशन इलाके के लोग हैं, पूनम कॉलोनी इलाके के लोग हैं, जहाँ पर कई इलाकों में जो है वो पानी की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। पानी की टंकी तो बनी हुई है लेकिन जो पाइपलाइन है वो नहीं डली, और ऐसे में तमाम लोग चंबल के पानी से महरूम हैं, मीठे पानी से महरूम है। और ऐसे में जो फ्लोराइड युक्त पानी जो है वो इन तमाम लोगों को पीना पड़ता है, जिस वजह से मोटे पैमाने पर जो बड़ी दिक्कत है वो आती है, कई जो बीमारियां हैं वो इन सब लोगों को होती है। और इसी को लेकर के जलदाय विभाग पर ये जो प्रदर्शन है वो फिलहाल चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जलदाय विभाग पर ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, और इसको लेकर के मैं बात भी करूंगा। ये क्या क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मैम? लाठी के बल पर इनको नहीं रोक सकते। क्या दिक्कतें हैं पानी को लेकर, कितनी किल्लत है उस इलाके में? उस इलाके में पानी की किल्लत, पानी है ही नहीं, किल्लत तो इतनी बड़ी है कि 900 से लेकर 2000 तक टीडीएस का पानी, 900 से लेकर 2000 तक का टीडीएस पानी लोगों को मजबूरी में पीना पड़ रहा है। हर आदमी आरओ का प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता, एक साल उसके आरओ के प्लांट नहीं चलते, जो महंगे महंगे आरओ उनको बाजार से खरीदना पड़ रहा है। वहाँ पर उस क्षेत्र में पानी का व्यापार पनप रहा है, आरओ के इतने सारे प्लांट डल गए, क्या हर आदमी 20 रुपए का कैंपर खरीद सकता है? एक 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 लाख रुपए उसको खर्च करके पहले तो बोरिंग कराना पड़ता है, उसके बाद भी उसको दूषित पानी पीना पड़ रहा है। कोटा चंबल नदी के किनारे पर है और ऐसे में फिर भी हमें चंबल का पानी नहीं मिलता। 50 साल हो गए इस एरिया को लेकिन अभी पानी की पाइपलाइन कहीं भी नहीं आ रही है। यूआईटी अप्रूव्ड कॉलोनिया है, उसको अप्रूव्ड हुए भी जो है 10 साल से ऊपर हो गए, फिर भी पानी के लिए तराई तराई है, चारों तरफ लाइन निकली हुई है, चारों तरफ लाइन निकली हुई है। ऐसा लगता है कि हम कहीं से शरणार्थी आके बसे हैं या कोई पाकिस्तान से आकर। आज यहाँ पर क्या मांग रख रहे हैं आप लोग? हमें जब तक हमारा, जब तक यहाँ के अधिकारी स्पष्ट जवाब बाहर आकर नहीं दे देंगे, हम 5 आदमी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस सब जनता के बीच में अधिकारियों को आश्वासन देना पड़ेगा कि इनकी प्लानिंग क्या है। किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज, किस तरह? हम अभी देखो, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने आए हैं। अगर ये जिस तरीके से अगर अत्याचार पे उतरेंगे, जनता के ऊपर अत्याचार कराने के लिए, तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, अगर नहीं माने तो हनुमान चालीसा का पाठ अभी हम यहाँ बैठ पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो करने वाले हैं, अपनी बात को यहाँ पर रखने वाले हैं, विरोध यहाँ पर जता रहे हैं जलदाय विभाग के खिलाफ, क्योंकि पानी को लेकर के जो परेशानी है वो बड़ी है। और जब सालों से कोटा के एक इलाके में चंबल का जो पानी है वो नहीं पहुँच पा रहा, नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में परेशानी भी बहुत हद तक लाजमी है। और ये तस्वीरें हैं जो खुद बोल रही हैं, सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं हैं हाथों में मटके लिए फिलहाल जलदाय विभाग के दरवाजे पर बैठी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और
चंबल का जो पानी है उसकी मांग यहाँ पर की जा रही है। इलाके में पानी की जो पाइपलाइन है उसकी मांग यहाँ पर की जा रही है। अब से कुछ देर बाद ये तमाम महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई भी नजर आएंगी। हिमांशु ये बताइए, 10 साल हो गए पानी की टंकी बने हुए लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और जलदाय विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए वजह, देखिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार इन तमाम इलाके के लोगों ने अवगत करवाया लेकिन हल नहीं निकला, तो मजबूरन आज नौबत यह है कि प्रदर्शन जो है वो करना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है, अपना विरोध जताना पड़ रहा है और विभाग के खिलाफ नारेबाजी जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि कई बार इलाके के लोग पहुँचने के बाद में अपना जो विरोध है वो जताया, अपनी बात को यहाँ पर रखा, जब सुनवाई नहीं हुई तो फिलहाल नौबत यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन की जो है वो आई हुई है। आपको बता दें कि इलाके में जैसा मैंने आपको बताया कि पानी की टंकी तो बनी लेकिन पानी की जो पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं नहीं डाली गई, और नहीं डाली गई तो ये नौबत यहाँ पर विरोध के लिए, और इसी बात को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है लेकिन कोई भी अधिकारी इन महिलाओं से बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। किसी भी अधिकारी से कोई बातचीत जो है वो इनकी नहीं हुई है और इसी वजह से दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है। एहतियातन जो है वो बड़ा पुलिस जाप्ता जो है बिल्कुल बिल्कुल जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं लेकिन मिलने के लिए कोई अधिकारी हिमांशु तैयार नहीं है। 10 साल पानी की टंकी को बने हुए हो चुके हैं लेकिन पानी की पाइपलाइन यहाँ पर डाली नहीं गई, ऐसे में लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूटा है। शुक्रिया आपके हिमांशु तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।